कक्षा 11वीं की लेखांकन की क्लास में आपका बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। लेखांकन सिद्धांत की प्राकृतिक और विशेषताएं, आप लेखांकन सिद्धांत के जो क्या माना जाता है, लेखांकन सिद्धांत को लेखांकन का क्या माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है, जो लेखांकन व्यवहारों के लिए क्या करते हैं, प्रमाण प्रदान करते हैं। तो जो लेखांकन सिद्धांत है, उसके मार्गदर्शक माना जाता है और लेखांकन व्यवहारों के लिए प्रमाण क्या करता है, प्रदान करते हैं। इसके आधार पर व्यवसायिक उपकरणों की वित्तीय स्थिति प्राप्त होती है। तब इसके आधार पर जो है आपको, जो व्यवसाय है आपका उपकरण, उसकी क्या प्राप्त होती है, वित्तीय स्थिति प्राप्त होती है। लेखांकन सिद्धांत का क्रमिक विकास हुआ जो लंबे अवधि में अनुभव और आवश्यकता के परिणाम है। तो आपको लेखांकन सिद्धांत का जो क्रमिक विकास हुआ, जो आपको लंबी अवधि और आवश्यकता के लिए क्या है, आवश्यकता के परिणाम है, जिसका मूल्यांकन कैसा होता है, सर्वमान्यता या सर्वग्राह्यता के आधार पर ना होकर सर्व सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। जो लेखांकन है उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनका मूल्यांकन सर्वमान्यता या सर्वग्राह्यता के आधार पर नहीं होता, ये सामान्य स्वीकृति के आधार पर क्या होते हैं, किए जाते हैं। लेखांकन सिद्धांत अनुभव और प्रयोग के आधार पर बनाए जाते हैं। जो लेखांकन सिद्धांत है वो अनुभव और प्रयोग के आधार पर क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो दृढ़ नहीं किंतु कैसे होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं। और जो लेखांकन बनते हैं वो एक दृढ़ नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं, उनको उनको बदला, वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जाता है, बदला जा सकता है। यही कारण है कि सिद्धांतों में समय समय क्या होते हैं, परिवर्तन किया जाता है। जो भी सिद्धांत होते हैं समय समय पर उनका क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जैसे कि समाज की बदलती हुई आवश्यकता की पूर्ति कर सके। मतलब जो भी सिद्धांत है तो उनका समय समय पर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और जो सामाजिक प्रतिक्रिया है वो भी बदलती रहती है, समाज आवश्यकता के अनुसार उनको क्या होती है, बदलती रहती है। और उनकी आवश्यकता क्या कर सकते हैं, अपन इसको अपन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिर है लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं। तो लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं, तो पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत। जो लेखांकन सिद्धांत है मनुष्यकृत, मतलब मनुष्य के द्वारा उसको बनाया गया है। लेखांकन सिद्धांत में मनुष्यों द्वारा लाए गए अपने ज्ञान, आवश्यकता, तर्क के प्रयोग के आधार पर, जो उनके तर्क होते हैं उनके प्रयोगों के आधार पर इस सिद्धांत का क्या किया जाता है, प्रतिपादन करते हैं। तीन तत्वों की मान्यता। तो लेखांकन में, लेखांकन की दूसरी विशेषता में तीन तत्वों की मान्यता। तो पहला औचित्य, औचित्य से आशय होता है लेखांकन में उन सूचनाओं से जो आवश्यक और उद्देश्यों की क्या करता है, पूर्ति कर सके। उसी तीन तत्वों की मान्यता पर दूसरा उद्देश्य है उनका, दूसरी विशेषता है इसकी उद्देश्यपूर्ण। तो जो लेखांकन होते हैं, लेखांकन सिद्धांत होते हैं, वे व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए, मतलब तो व्यक्ति अपने विचारों को उनको प्रभावित नहीं करता, जो उनमें लेखे किए जाते हैं, लेन देन की व्यवहार होती है उसी के आधार पर, मतलब जो उनका वो बनाए जाते हैं। फिर है व्यवहारता। व्यवहारता से आशय सिद्धांतों के बिना किसी दुविधा और जटिलता के साथ प्रयोग करने पर अतिरिक्त श्रम या श्रम ना लगे। तो ये दो विशेषताएं होंगी। तीसरी है प्रगतिशीलता। जो लेखांकन के सिद्धांत है वे समय समय पर विकासशील परिस्थितियों के अनुसार क्या हो जाते हैं, प्रगतिशील भी, उनमें प्रगतिशीलता भी पाई जाती है। जो लेखांकन के सिद्धांत लेखों में जो है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन हो जाते हैं, तो विकासशील परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशीलता भी उनमें क्या होती है, पाई जाती है। इन सिद्धांतों में तथा पद्धति और रीति रिवाज का भी
प्रभाव है। चौथा है इसमें लेखांकन के सिद्धांत की चौथी विशेषता है विस्तृत सूचियों का अभाव। तो लेखांकन में सिद्धांतों में कोई ऐसी सूची नहीं होती जिसमें लेखांकन के सभी सिद्धांत एक स्थान पर मिल सके। अगर आप लेखांकन में तो कब किसने क्या दिया, कहां से माल प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, इन सब लेखांकन में क्या होते हैं इसकी आवश्यकता होती। तो लेखांकन की ऐसी सूची नहीं है जिसमें लेखांकन के सभी जो सिद्धांत है वे आपको एक स्थान पर मिल सके। फिर पांचवा है सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। तो पांचवी विशेषता इसकी है लेखांकन एक कार्य के लिए अलग अलग स्थानों और अलग अलग सिद्धांतों के प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको दो या तीन नंबर का यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चों लेखांकन सिद्धांत की प्राकृतिक और विशेषताएं लिखिए। तो आपको पहले उसके बारे में प्राकृतिक बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि उसकी अवधि आवश्यकता अनुसार उसके परिणाम होते हैं, जिनका मूल्यांकन सर्वमान सर्वग्रहता के आधार पर ना होकर कैसा होता है सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। फिर इसकी विशेषताएं हैं मनुष्य इसकी कितनी विशेषताएं हैं पांच विशेषताएं मनुष्य सिद्धांत तीनों तत्वों की मान्यता प्रगतिशीलता विस्तृत सूची का अभाव और पांचवा है सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। तो ये लेखांकन सिद्धांत क्या हो गए विशेषताएं। फिर है लेखाकरण लेखांकन प्रमापों का अर्थ बताइए। आपके ही अध्याय पर 2.10 पर आप देखेंगे तो लेखांकन प्रमाप के प्रमाप का अर्थ क्या है। लेखांकन क्या होते हैं लेखांकन नीतियों की समरूपता लाने के उद्देश्य से जो पेशेवर लेखांकन संस्थाएं होती हैं समय समय पर ऐसे विवरण दस्तावेज जारी किए जाते हैं जिसमें वित्तीय विवरण क्या करते हैं तैयार किए जाते हैं या प्रस्तुत करने में एक समान नियम और व्यवहार वहाँ पर निश्चित किए गए होते हैं। निश्चित किए गए नियम और व्यवहार लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। तो लेखांकन नीति में समरूपता लाने के लिए उनके उद्देश्यों में पेशेवर लेखांकन संस्थाओं द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है लिखित विवरण जो वित्तीय वर्ष के लिए क्या किए जाते हैं तैयार किए जाते हैं और में एक समान नियम और व्यवहार एक समान नियम और निश्चित व्यवहार निश्चित किए हो तो उसे क्या कहते हैं नियम और व्यवहार की लेखांकन प्रमाप कहे जाते हैं। कोहलर ने एक परिभाषा दी है इसकी। तो कोहलर की परिभाषा है लेखांकन प्रमाप नीति रिवाजों कानून और पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों को लागू की गई आचार संहिता है। कोहलर ने एक लेखांकन प्रमाप की क्या दी है परिभाषा दी है। तो लेखांकन हो गया आपका लेखांकन का अर्थ और इसकी परिभाषा। फिर आपको लेखांकन एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कंपनी अधिनियम एक कंपनी अधिनियम की भी आपको एक उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है जो धारा अधिनियम 2013 की धारा और ये 133 के अंतर्गत है जारी की गए लेखांकन प्रमाण होते हैं जो संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत आवश्यकता और कंपनी का लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण लेखांकन प्रमापों के अनुसार है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी अधिनियम द्वारा एक परिभाषा है जो 1 अप्रैल 2015 तक इंस्टीट्यूट ऑफ 32 लेखांकन प्रमाप क्या किए उन्होंने 32 लेखांकन प्रमाप जारी किए गए जिसका पालन करना कंपनी के लिए क्या है अनिवार्य है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कंपनी द्वारा आपके लिए 32 लेखांकन प्रमाप क्या किए हैं जारी किए गए। तो लेखांकन प्रमाप जो है वो आपके लिए लेखांकन नीति का प्रकटीकरण स्कंध रोकड़ और विवरण आर्थिक चिट्ठा उसके पश्चात होता है अवधि शुद्ध लाभ हानि ये सब आपके क्या है जो 32 लेखा प्रमाण है वो जारी किए गए हैं किसके द्वारा कंपनी अधिनियम के
द्वार, उसमें सर। तो ये आपके आपकी बुक पे देखेंगे तो आपको पूरे 32 लेखाकरण जारी किए गए हैं जिसका पालन कंपनी अधिनियम के द्वारा क्या है, अनिवार्य है। फिर उसके बाद है लेखांकन प्रभाव की प्रकृति। तो लेखांकन प्रभाव की प्रकृति कैसी होती है, कैसी मतलब व्यावसायिक लेन देन और घटनाओं के लेखांकन के लिए लेखांकन नीति व्यवहारों की कसौटी है और यह क्या करते हैं लेन देनों का इसमें लेखांकन किया किस प्रकार किया जाएगा, वित्तीय विवरण कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये क्या है तो लेखांकन प्रभाव मतलब प्रमाणकों की क्या है प्रकृति, ये मतलब उनको बताता है कि उनका कैसे कार्य करना, उनका मतलब उनका प्रदर्शन कार्य कैसे करते हैं। तो लेखांकन प्रमाण व्यवसायिक लेन देन घटनाओं के लिए लेखांकन की नीति और उसके व्यवहारों और उसकी कसौटी पर क्या होते हैं निर्धारित करने के लिए लेन देनों का लेखा किस प्रकार किया जाएगा, उनके वित्तीय विवरण कैसे बने प्रस्तुत किए जाएंगे और इस तरह लेखांकन प्रमाण विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रकार की लेखांकन नीति को अपनाने पर उत्पन्न प्रभाव को समाप्त कर उसे क्या करते हैं प्रस्तुत किए गए जो वित्तीय विवरणों की तुलनात्मक बनाने में क्या करता है सहयोग बना प्रदान करता है। तो आपका वित्तीय विवरण कैसे बनता है समाप्त मतलब वित्तीय विवरण जो है वो कौन से वर्ष के लिए बनता है, वित्तीय वर्ष के लिए बनता है वो जो एक वर्ष पर मतलब एक वर्ष के लिए होता है। लेखांकन में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं और समाधान के लिए लेखांकन पद्धति के लेखांकन प्रमाप क्या करते हैं निर्धारित करते हैं। इस तरह लेखांकन प्रमाप की क्या होती है प्राकृतिक के लेखांकन क्षेत्र में नियमों पर आधारित लेखापालों को सही मतलब जो लेखापाल है उनको सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो लेखांकन प्रमाप होते हैं उनकी जो प्राकृतिक नियम लेखांकन क्षेत्र के जो नियम है जो नियमों पर आधारित होती है वो लेखापाल क्या होती है सही निर्देश मतलब सही दिशा निर्देश क्या करते हैं उनको प्रदान करते हैं। फिर लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता है क्या है तो पहला है वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता के लिए। तो जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा तो पहला है इसका इसके लेखांकन प्रमाण की आवश्यकता निम्न प्रकार के है। तो व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा लेखांकन की अपनाई जाने वाली नीतियां भिन्नता भिन्न होने के कारण लेखांकन सूचकांक समरूप तुल नहीं होते। लेखांकन प्रमाण सूचनाओं को समरूप बनाने के लिए क्या करते हैं दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और संस्थाओं द्वारा जो जो संस्थाएं होती हैं जो व्यवसाय करती हैं और मतलब उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरण विश्वसनीय और अधिक प्रमाणित होते हैं। कोई व्यवसाय कोई भी संस्था होगी तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो वित्तीय विवरण होंगे वे कैसे होंगे विश्वसनीय और अधिक प्रमाणित हो जाते हैं। फिर दूसरा है वित्तीय हितों के संघर्ष की सुलझाने के लिए। तो दूसरा लेखांकन प्रमाप की दूसरी आवश्यकता व्यवसाय के हित को मतलब जो व्यवसायी है उनके हित को रखने के लिए विभिन्न पक्षकारों और मध्य उत्पन्न जो पक्षकार जो व्यवसाय करते हैं उन पक्षकारों और उनके मध्य उत्पन्न वित्तीय हितों को संघर्षों को सुलझाने के लिए लेखा प्रमाप क्या होते हैं सहायक होते हैं। क्योंकि तो प्रमापों के आधार पर जो प्रमाप है उन्हीं के आधार पर क्या बनाया जाता है वित्तीय विवरण सही पक्षकारों द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं। तीसरा है हेरा फेरी छल कपट की संभावना को रोकना। तो लेखांकन प्रभाव की आवश्यकताओं के लिए आवश्यकता में तीसरा है हेरा फेरी छल कपट और संभावनाओं को रोकने के लिए लेखांकन प्रभाव क्या होते हैं आवश्यक होते हैं। ये नीतियों का प्रयोग पर क्या करते हैं नियंत्रण स्थापित करते हैं और लेखांकन होने वाले हेरा फेरी मतलब कोई जो भी लेखांकन बनाते हैं मतलब हेरा फेरी किसी भी लेन देन में उनका हेरा फेरी ना हो कोई छल कपट की भावना ना हो और काफी हद तक मतलब जो उनकी हद तक उनकी आशंका को क्या कर सकते हैं दूर
हमने लेखांकन के सिद्धांत पढ़े और लेखांकन प्रमाप का अर्थ और परिभाषा पढ़ा, उसकी प्राकृतिक पढ़ी और लेखांकन प्रमाप के हमें महत्व और आवश्यकता, लेखांकन की क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ा। तो लेखांकन प्रमाप की कितनी आवश्यकताएं हैं? तीन आवश्यकताएं, वित्तीय विवरण और विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के लिए, दूसरा है वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने के लिए और तीसरा है हेराफेरी छल कपट की संभावनाओं को रोकने के लिए। और इसी प्रकार आपको मैंने विशेषताएं बताई, ये इसी में आपको लेखांकन प्रमाप की सिद्धांत की विशेषताएं लिखी है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ये है, लेखांकन प्रमाप की आवश्यकताएं क्या है लिखी है। तो ये क्वेश्चन के आपका क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको आप याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।